बेटे की मृत्यु के बाद उसकी बेटी के नाम कराई 4 बीघा जमीन, नाराज बहू ने जताई आपत्ति, दर्ज कराई FIR। खबर काली पहाड़ी डामरून तहसील पिछौड़ से आ रही है। यहां रहने वाले हरनाम पुत्र राजाराम लोधी ने अपनी बेटी की सुरेंद्र की शादी 2012 में कल्पना पुत्री सूरज लोधी निवासी ठाकुरपुरा से की थी। शादी के 3 वर्ष बाद सुरेंद्र की बीमारी के चलते मौत हो गई। इसकी एक बेटी है जिसकी उम्र 6 साल है। पति की मृत्यु के बाद कल्पना अपने मायके रहने लगी। हरनाम लोधी ने सुरेंद्र की बेटी के नाम 4 बीघा जमीन कर दी, जिस पर कल्पना का कहना है कि वो जमीन उसके नाम क्यों नहीं की गई। इसी बात को लेकर वो उसके परिवार के द्वारा झूठे मुकदमे में केस करने की धमकी देने लगे और विगत 15 तारीख को इस बात की शिकायत करने पीड़ित और उसका छोटा लड़का SP साहब के पास आया। उसी दिन दोपहर 12 बजे कल्पना के द्वारा थाने में सास ससुर नंद के खिलाफ मारपीट की FIR दर्ज कराई। कल्पना के देवर का कहना है कि वो और उसका पिता उस दिन 10 बजे से 1 बजे तक SP ऑफिस थे, जिसके CCTV फुटेज निकाल कर देखा जा सकता है, और 1 बजे शिवपुरी पोस्ट ऑफिस से उनके द्वारा DIG के नाम पोस्ट भी की गई है। उनके पास प्रूफ है और उनकी नंद अपने ससुराल में थी। ये समस्या आ रही है कि मेरे भाई की मृत्यु 2019 में हो गई थी, जिसकी मेरी भाभी का नाम है कल्पना लोधी, उसकी एक बच्ची है सोनका, जिसमें उन्होंने मांग की है कि 3 लाख रुपए दो और हमारे हमने देने से मना कर दिया, और 4 बीघा जमीन हमने बच्ची को भी करवा दी, सोनका को नाम करवा दी, मना कर दिया। तो हमारे लिए कि हम तुम्हारे खिलाफ मारपीट का आरोप का FIR दर्ज करवा देंगे। तो हम 15 तारीख में यहीं SP ऑफिस 10 से 1 बजे के बीच में हम SP ऑफिस में और मेरे पिताजी हरनाम सिंह लोधी दोनों उपस्थित थे, और मेरी भाभी ने वहाँ जाकर पिछोड़ थाने पर FIR दर्ज करवाई कि 15 तारीख 9 महीना 2021 को मुझे 12 बजे लात घूंसों से मारा है।